हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे की शुरुआत में लंच से कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ते में इडली खा रखा था। तो अभी मैं पता क्या बना रही हूँ, दही बड़ा बना रही थी दोपहर में, तो फिर शाम को हम लोग का प्लान था डोसा बनाने का। एक्चुअली सैटरडे को मेरी मम्मी फ़ोन करके कही कि मैं दही बड़ा बना रही हूँ, मेरे मुँह में पानी आ गया। और उड़द का दाल मेरे पास था, मैंने कहा लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ। पहली बार ही दोनों चीज़ मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, दही बड़ा भी और डोसा भी। मैंने सोचा दही बड़े के लिए उड़द का दाल भिगो ही रही हूँ, तो डोसा के लिए भी भिगो दी, क्योंकि डोसा तो मेरा हमेशा फेवरेट है। और आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे डोसा बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ का डोसा। तो मैंने सोचा लाओ मैं ट्राई करती हूँ। तो अभी तो मैं दही बड़ा ही बनाऊँगी। अभी मैं डोसे का मिक्सर बस मैं रख दे रही हूँ अलग से, क्योंकि डोसे के मिक्सर को टाइम लगता है वो इसमें खमीर निकलने में, इसलिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, डोसे का मिक्सचर मेरा हो चुका है, इसमें मैं इनो डाल रही हूँ। इनो डालने से क्या होता है, जो ईस्ट होता है ना वो जल्दी निकल जाता है। देखिएगा अभी मैं जब इसको मिक्स करूँगी ना, तो कितने अच्छे से उसमें वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फुल फ्लपी हो जाएगा। देखिए फ्लपी हो गया। तो इससे क्या होता है, जो हम 8 से 10 घंटे रखते हैं हमारे मिक्सचर को, वो हमारा 2 से 3 घंटे में ही हो जाता है इनो डालने से, उसमें ईस्ट आराम से निकल जाता है। तो मैंने वही कर दिया ताकि शाम को मैं आराम से बना सकूं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, दही ले रखा है, उस दही में जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर मैं रखी हुई थी। वो जीरा पाउडर और काला नमक मम्मी बताई थी मुझे, जैसे जैसे वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। दही हमारे दही बड़े के लिए दही का मिक्सचर तो चाहिए ही, तो वही मैं कर रही हूँ। ये देखिए ये रहा। अभी मैंने कढ़ाई में तेल और तेल ले लिया, उसको गरम कर दिया। अभी मैं जो मेरा मिक्सचर था उड़द दाल का, उसको मैं डाल रही हूँ गोला गोला करके। यार दही बड़े का शेप देना मुझे नहीं आता, लोग गोला गोला करके करते हैं, मुझे जैसे है मैंने वैसे ही कर दिया। तो मैं उसको छान रही हूँ और इसको मीडियम आँच पे छानिएगा। मेरे साथ तो मुझे पता ही नहीं था, पहली बार मुझे पता ही नहीं था किस आँच पे छाना, मैंने एकदम स्लो आँच पे छाना, तो एकदम क्रंची क्रंची हो गया था। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरा दही बड़े का, अभी दही नहीं है ये बड़ा है। फिर मैं दूसरा कर रही हूँ। फिर मैंने ना क्या किया, मम्मी को कॉल किया, मम्मी कॉल मेरी रिसीव नहीं की। फिर मैंने छोटी वाली मासी को कॉल किया, उनसे मैंने पूछा कितनी आँच पे कैसे छानना है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो उसके बाद से मेरा सारा अच्छा निकला। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा क्रंची था, मतलब उसको ऐसे खाने में ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अभी मेरा सही होगा। ये गर्म पानी में डालने से दही बड़े हमारे सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं गर्म पानी पहले उसको डाल के फिर दही में डालती हूँ। ये देखिए मैंने डाल भी रखा है, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, अच्छे बने थे बाद में। अभी तो मैं खा के बता रही हूँ आप लोगों को, टेस्टी बने थे, मेरी ननद को पसंद आया। ओ फ्रेंड, दही बड़े तो बन चुके हैं, लाइट कट गई है, यहाँ पर हालत ख़राब हो गया। पहली बार बनाया था, मुझे नहीं पता कैसा बनाया। आई होप सबको पसंद आया, गॉड नोस। और पता मुझे पता ही नहीं था कौन से आज पे उसको छानते हैं, मीडियम पे, तेज पे, स्लो पे। मम्मी को कॉल करी, लग नहीं रहा। फिर मैंने अपनी छोटी वाली मौसी को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मीडियम आज पे करते हैं ये सब। तो दही बड़ा तो फाइनली बन गया है अब मेरा। अब मैं जाऊँगी नहाने, मैच का टाइम है, लाइट कट हो गई है, देखते मेरे हस्बैंड कैसे मैच देखते हैं। तो जा रही हूँ अब नहाने, नहाने के बाद कुछ करूँगी। शाम को डोसे के लिए मैंने बैटर बना दिया है, डोसा भी पहली बार बनाऊँगी मैं। आई होप अच्छा। मम्मी को कई बार बनाते तो देखा है, बट कभी खुद ट्राई नहीं किया, तो आज मैं ट्राई करूँगी। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। तो चलिए नहा के आते हैं और प्रे करिए मेरा दही बड़ा अच्छा बनाओ। मिलते हैं आपसे। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा था, लाइट तो जा चुकी थी, मैच एंजॉय नहीं हो पाया, मेरे हस्बैंड का मूड एकदम ऑफ। हस्बैंड का क्या, सभी का मूड ऑफ हो गया था, इंडिया का मैच था और कोई देख नहीं पाया। रात को भी लाइट जब ख़त्म हो गया था मैच, उसके बाद ही आई थी, बट मौसम इतना अच्छा था ना। बट यार लाइट नहीं रहती तो मौसम अच्छा हो के भी इंजॉय नहीं हो पाता। बट हाँ, मैंने सोचा आप लोग को तो दिखा दो कितना अच्छा मौसम, मानसून यहाँ आ चुका है, बहुत अच्छा। मतलब जब यहाँ हवा चलती है तो लगता है कहाँ आ गया, बहुत अच्छा मौसम, तो बहुत ही अच्छा मौसम। ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो गई थी, उसके बाद का देखिए कितना, मतलब बारिश होने के बाद सब कितना अच्छा अच्छा दिखता है, आँखों को कितना सुकून मिलता है। देखिए कितनी लाइट, वो जो दिखाया था मैंने बारिश से पहले आंधी की थी, और ये जो है बारिश होने के बाद की दूसरे बालकनी से मैंने ले रखा है, कितना मतलब साफ दिख रहा है सब, कितना प्यारा लग रहा है।
और ये हम लोग नीचे गए थे टहलने, तो मैं बाल बाहर का है ये देखिए, जेसीबी भी है हमारे यहाँ, जेसीबी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, इसको भी वायरल कर दो। ये हमारा सोसाइटी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गार्डन वार्डन बन रहा है, तो यही सब है। कितना अच्छा लग रहा है, 6:30-7 बज रहा था, ये देख के लग रहा है बिजली देखिए चमक रही है, बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं जस्ट ना कह रही हूँ, कल ऑयलिंग किया था बाद में, बट बाल धुला नहीं था, तो इसलिए जस्ट आज जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ। लाइट कट गई हमारे यहाँ, 3-4 दिन से इतना ज़्यादा लाइट का दिक्कत हो रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लग रहा है गेम के तरह हमने के साथ कभी आ रहा है कभी जा रहा है, मेरे सामने आ जाता तो उसका ऐसे ऐसे मर्डर कर दूँ मैं, लाइट का, लाइट वाले का, किसी का भी, बस सामने आ जाओ। तो अभी नहा के आई हूँ, तो अभी तो ठीक लग रहा है, बट हाँ मौसम भी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की रिमझिम से बारिश हो रही है। कल भी मौसम बहुत अच्छा था, कल तो लाइट कटने की वजह से मैं डोसा बनाई थी, बता भी नहीं पाई आप लोगों को, डोसा अच्छा बना था, मतलब फर्स्ट टाइम में ठीक बना था, इनके फ्रेंड आए थे तो भी खाए थे तो कह रहे थे पहली बार में तो काफ़ी अच्छा बना। रात को वही फ़ोन करके पूछ रही है कैसा बनाया, पूछने के लिए फ़ोन की थी कैसा बनाया, तो डोसा ठीक था। कल रात में मौसम आंधी तूफान सब था, अभी हल्की हल्की बहुत हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम से बारिश हो रही है। देखो बिल्डिंग आवाज़ वावाज़ सब बिल्डिंग की है, सब तो काम चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं सोचा ये बाल जड़ रहे मेरे, पहुँचा तो कुछ बताओ क्या करूँ मैं। देखा पुणे का पानी बहुत ख़राब है, बाल धुलने के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट क्या करूँ धुलना पड़ता है यार, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे, कुछ दिन में लग रहा टकली हो जाऊँगी मैं, मुझे टकली नहीं होना। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, नहाने के बाद भूख लगी थी तो थोड़ा सा खाना भी खा लिया, हस्बैंड तो चले गए तो उनके लिए डिनर बना ही था तो खा भी लिया मैंने। और आप लोगों को पता है आजकल मुझे किस चीज़ का चस्का लगा है, दूध चूरा गुड़, पता नहीं आप लोग अभी खाए हो नहीं खाए, यूपी वाले तो जानते होंगे, बिहार वाले भी खाए होंगे, हमारे यहाँ खाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, उस टाइम बहुत लोग खाते हैं। तो मैं सबसे पहले जब ससुराल में आई थी तो मुझे मेरी सासू माँ एक दिन टेस्ट कराई थी, मुझे बड़ा टेस्टी लगा, फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड चूड़ा लेके आते थे पोहा के लिए, और दूध घर पे रहता ही था बस गुड़ नहीं रहता था, तो मैंने इनसे कहा गुड़ लेके आओ मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का, तो मेरे हस्बैंड गुड़ लेके आया और आजकल मैं यही खा रही हूँ, मतलब जब मन करता है तो लेके बैठ जाती हूँ। एक बार तो ऐसा था रात को 1:30 या 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब पता नहीं क्यों मेरा मन किया खाने का, मैं लेकर बैठ गई, फिर मैंने हस्बैंड के मस्त किया, मैंने कहा मैं गुड़ चूरा खा रही हूँ, हस्बैंड को बस रहे थे। तो यही सब हो रहा है मेरे साथ, कभी कभी इंसान को होता है कुछ एक लत लग जाती है। एक टाइम था जब मुझे लेस का लत लगा था, बहुत ज़्यादा लेस खाती थी मैं, फिर टाइम आया मोमोज, सो कोई दिन नहीं जाता था, दिल्ली में रहती थी तो मैं यार दिल्ली का मोमोज बहुत टेस्टी होता है, खतरनाक टेस्टी होता है, तो जब मैं दिल्ली में रहती थी तो लगभग रोज ही हो जाता था मोमोज। तो ये है, तो अभी मुझे दूध चूरा का लत लगा हुआ है, खा रही हूँ मैं आजकल, अभी भी मेरा प्लान है दूध आएगा तो गर्म करके खाऊंगी। तो ये सब है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, हवा अच्छी चल रही है, तो अभी तो लाइट कट है, तब तो आगे का वीडियो भी नहीं बन पाएगा, तो वीडियो की एंडिंग यही करनी पड़ेगी क्योंकि अंधेरे मोमबत्ती लेके तो मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं, मोमबत्ती भी हमारे यहाँ इतना अच्छा है कि बताने को नहीं, वो मोमबत्ती कम कैंडल लाइट डिनर वाला मोमबत्ती ज़्यादा लगता है, गोल गोल राउंड राउंड वाला, मैं उसको जलाती नहीं थी नलायक हूँ, मैं कहती नहीं देखने में अच्छा लगा इसको मत जलाइए, तो अच्छा है बट ऐसे उसके साथ थोड़ा वीडियो बन सकता है अंधेरे में, तो वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, देखते हैं मेरा रात कैसे गुजरता है। हाय राम, लाइट नहीं आई ना, लाइट वालों को मेरे सामने ले जाओ, क्यों मैं उसको। तो आई होप आप लोग अच्छे से गर्मी में मजे कर रहे हो, यार यहाँ तो लाइट नहीं है कोई मज़ा वजा नहीं है, तो चलिए एंड करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को, कल शुरू करती एक नया सा ब्लॉग अच्छा सा। आजकल मैं मॉर्निंग वॉक को भी नहीं जा रही, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतना ज़्यादा सो रही, मैं देखती हूँ अगल बगल कोई मुझे देख नहीं रहा है, ऊपर वाली बिल्डिंग से कहेंगे कौन पागल लड़की है, पर है ना बालकनी है वहाँ से कोई देख लेगा तो कहेगा पागल लड़की है। तो चलिए बस ये
ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक किया करिए यार, लाइक करते हो आप लोग तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं आता मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बड़ा मेहनत लगता है ये सब करने में, आप लोग एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, फ्री का होता है, मुझे इतना टाइम लगता है मैं बता नहीं सकती आप लोग को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।